ऑनलाइन अतीक्स लेक्चर्स की जानिब से आपको अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर को प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए हम आज जो है वो लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में कि चार्ल्स लॉ जो है ये क्या है और इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है उसकी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम आते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स। इन 1787 पुट फॉरवर्ड हिज लॉ about the behavior of gases. चार्ल्स लॉ को हम वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ भी कह सकते हैं। चार्ल्स ने गैसों के वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप मालूम किया। इसने 1787 में लॉ पेश किया गैसों के बिहेवियर को समझने के लिए। इसने क्या कहा था? इसने कहा था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to absolute temperature. चार्ल्स लॉ के मुताबिक एक गैस का वॉल्यूम जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें शर्त यह है कि प्रेशर कांस्टेंट हो। मगर चार्ल्स लॉ में दो चीजें कांस्टेंट हैं, अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर। इसी तरह दो वेरिएबल हैं चार्ल्स लॉ में, एक वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो चार्ल्स ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया। वह चार्ल्स के मुताबिक वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। कंडीशन यह है प्रेशर कॉन्स्टेंट हो। इसको हम मैथमेटिकली यू ले सकते हैं, मैथमेटिकल कांस्टेंट प्रेशर इस तरह जो है हमारे पास ये इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन से जो है चार्ल्स लॉ की एक और डेफिनेशन जो है वो बनती है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर रिमेन सेम एट सेम या कांस्टेंट प्रेशर। तो दूसरी डेफिनेशन हम यू ले सकते हैं
रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस टू टेम्परेचर रिमेन सेम। They remain constant at same pressure. तो ये दूसरी डेफिनेशन बनती है इसकी। तो ये है, अब इसको जो है हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं। चार्ल्स ने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था, अब कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसकी पढ़ते हैं। तो हम कंसीडर अ गैस इज एनक्लोज्ड इन ए वेसल फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन पी। Let its initial temperature in T1 is 1 Kelvin. Its initial volume is 1 decimeter cube. When its temperature is increased by heating from T1 to T2 and T3, double and triple. When temperature of gas is doubled and tripled by heating, its volume also
become double and triple. Applying Charles's law, V1 over T1, V2 over T2, V3 over T3. अगर इनमें हम वैल्यूज पुट करें, यहां देखते हैं V1 T1 बराबर V2 T2 V3 T3. तो V1 क्या है 1 केल्विन और V1 जो है 1 डेसिमीटर क्यूब है और T1 जो है वो भी 1 है. इसी तरह ये भी 2, ये भी 2, ये भी 3, ये भी 3. तो सबका आंसर जो है 1 आता है. तो देखिए सेम वैल्यूज, रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन सेम एट सेम प्रेशर. प्रेशर से 1 एटमॉस्फेयर है, प्रेशर जो है आप 1 एटमॉस्फेयर करते हैं, 1 एटमॉस्फेयर करते हैं. तो इस तरह जो है एक गैस है जो कि एक वेसल के अंदर क्लोज है, उसका इनिशियल टेम्परेचर 1 केल्विन है, इसी तरह इनिशियल वॉल्यूम 1 डेसिमीटर क्यूब है. जब इस गैस का टेम्परेचर डबल और ट्रिपल कहता है ओरिजिनल वॉल्यूम के हीट करके, तो इसका वॉल्यूम भी डबल और ट्रिपल रहता है. अब इन वैल्यूज को अगर हम चार्ल्स की ये इक्वेशन में पुट करें तो सेम रिजल्ट आता है. तो इसका मतलब ये है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर रिमेन सेम एट सेम प्रेशर. तो ये है चार्ल्स लॉ, इसकी वेरिफिकेशन.